गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर द मैगपाई नेस्ट। देखिए बच्चों, मैगपाई एक ऐसा बर्ड है जो सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट बनाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये चैप्टर है, हम लोग फोकस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। व्हाट अ ब्राइट सनी डे, आज कितना चमकीला सुनहरा दिन है। अ परफेक्ट डे टू स्टार्ट बिल्डिंग अ नेस्ट थ्रॉट द मैगपाई। मैगपाई सोच रहा है कि आज मुझे एक अच्छा सा नेस्ट बनाना चाहिए। I will build myself a nice and soft nest so I can rest on it in the evening. देखिए बच्चों, मैगपाई जो है वो अपना नेस्ट बनाना शुरू करती है। इसके लिए वो धीरे धीरे ट्विंग्स कलेक्ट करती है, मतलब जो छोटी छोटी टहनियाँ डालियाँ होती हैं बिल्कुल बारीक बारीक सी पतली पतली, वो कलेक्ट करती हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। गुनगुनाती रहती है और एक के बाद एक उन्हें जोड़ती रहती है, अपना नेस्ट बनाती रहती है, ठीक है। और वहाँ पे उसे देखने के लिए कई सारे बर्ड्स आ जाते हैं। अब वो बर्ड्स जो हैं बेटा, वो भी बोर हो जाते हैं उसे देखते देखते, तो वो वहाँ से उड़कर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैगपाई का नेस्ट है वो अब बनने ही वाला है, पूरा ख़त्म होने वाला है। उसमें कुछ ट्विंग्स और ऐड करने हैं। तभी वहाँ एक टर्टल डव आती है और वो उसको एडवाइस करती है कि नहीं, तुम्हें एक नहीं ये वाले कहे, उसे वो सब पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वहाँ से सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ से दूसरी जगह चली जाऊँ, यहाँ पे सब लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वहाँ से उठकर और चली जाती है किसी और जगह, और फिर कहीं और जाकर अपना घर बसाने के बारे में सोचती है। दूसरी जगह जाती है, फिर वहाँ गुनगुनाती है और अपना घर बनाती है, ठीक है। और जो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब ढूंढते रहते हैं, मैगपाई कहाँ गई, मैगपाई कहाँ गई। लेकिन तब तक मैगपाई अपना नेस्ट बना चुकी है और अपने नए घर में जा चुकी है।